मेरे साथ? ये बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछ। डॉक्टर साहब और आनंदी जी तो इतने बरस साथ रहे, तो कोई बच्चा? जिस ब्याह हो दोनों का तो बहुत छोटे थे, बच्चे थे। ब्याह का मतलब भी ना जाने थे, तो बच्चा पैदा होने का सवाल ही ना उठा। और जब बच्चा पैदा करने लायक बन गए तो जगदीश मुंबई शहर चलो गए डॉक्टरी की पढ़ाई करने। उसके बाद जो हुआ तो पता है तुम्हें। मुझे इसी मंदिर में न जाने कितनी बार मैंने देवी माँ से विनती करी, देवी माँ दोनों को संतान दे दो। शिकायत भी रही उनसे कि उनने हमारी बात न सुनी। फिर जगदीश उस छोरी के चक्कर में पड़ गयो। बार बार यही बात आ गई थी मन मन में कि बच्चे होते ना इनके कभी अलग ना होते थे दोनों। पर खैर जो हो गए भले के लिए ही हो गए। जगदीश का तो ना कह सकूं पर आनंदी के लिए तो जो वो आज हो। मन की बात बोलू, परसों से आस रही है इस डोकल्डी के मन में एक बार फिर से इस हवेली में बच्चे की किलकारी सुनने को मिल जाओ। देखो अब गेना कब सुनावे खुशखबरी, नंद किशोर को एक संगी साथी मिल जावेगो, हमारे को फिर से एक पोता या पोती, फिर से हमारे आंगन में रौनक आ जाएगी। आप कौन जाने माजी सा, देवी माँ की कृपा होगी तो ताईसा के साथ साथ आनंदी जी भी कोई शुभ समाचार दे देवे। तुमने हमारे मन की बात कह दी, यही चाहूं मैं भी कि देवी माँ आनंदी की गोदहरी कर देवे। साची इस पूरे जग में यदि कोई छोरी सबसे अच्छी माँ बनने लायक है तो वो हमारी आनंदी ही है। शाबाश ओची। बच्चों को बड़ा प्यार से संभालती हैं और बच्चे भी आपकी कंपनी में बहुत खुश रहते हैं। आई थिंक यू मेक अ ग्रेट मदर। आई डिडंट मीन दैट, मेरा कहने का मतलब बस यही था कि सॉरी। यस उदयपुर ओके। आपके मन में क्या है भगवान ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं बस। ला बिटिया कटोरी दो जी, हलवाई को वापस करके लाता हूं। हमें चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी।
काम करेगी छोरी? थक ना जाओगी? इतनी भी कमजोर को नहीं माजी साहब कि चार फल काट के थक जाऊं। मैं तो अकेले 50 लोगों का खाना बना सकूं। अगर ऐसा है तो हो जाए किसी दिन खाना। नमस्ते माजी। अरे आप विराज हो। बहुत खुशी हो रहा आपको देख के। कद आई जाए तो सर? जी आज ही सुबह आई हूँ और सोचा कि आनंदी बानूपुर से आ जाए, फिर उसके साथ ही आऊंगी आप लोगों से मिलने। लेकिन अभी कुछ देर पहले शिव से बात हुई, उसने बताया कि वो दोनों यही आ रहे, इसलिए मैं भी चली आई, आप लोगों को बताया भी नहीं। इसमें बताने की क्या बात है, आपको ही घर है, है ना सुमित्रा? जी जी बिल्कुल। छोरी सुमित्रा जी, आप भी बैठिए ना। जी सुमित्रा जी, सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और अरे नहीं नहीं समधन सा, माफी मांगने वाली कोई बात ना है। मैं समझती हूँ, बच्चों की चिंता कई बार माँ बाप से वो करवा देती है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। बल्कि समधन सा, मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो संस्कार आपने दिए हैं शिव को, वो आजकल के बच्चों में कहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत भाग्यवान है मेरी लाडो जो उसे शिव जैसा पति मिला है। सुमित्रा जी, भाग्यवान तो शिव है जो उसके जीवन में आनंदी जैसी लड़की आई। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। हाँ बस सब उन दोनों के बीच की ये दूरी खत्म हो जाए। जल्दी खत्म हो जाएगी ये दूरी। जी दोनों समझने आपस में क्या बात कर रहे हैं? अरे भाया हमें भी पता चले क्या बात हो गए। और क्या बात हो सकती है माँ जी, शिव और आनंदी की बात हो रही है। उनकी बात ले बैठे तब तो बात ही खत्म ना हो गई। आ जा गंगा। अच्छा तो ये है गंगा। हाँ बहुत भली छोरी है, रात दिन सुमित्रा का हाथ बटावे घर के काम में, और 50 लोगों का खाना अकेले बना सकती है। बहुत सुना है मीनू से तुम्हारे बारे में, मिलने का बड़ा मन था मेरा। खुश खुश रहो, और अगली बार जब मिलो तो पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। काही जरूरत को नहीं काकी सा, किसी से आशीर्वाद पाने का मौका मैं कभी को नहीं गवाऊं। न जाने किसके आशीष से मैंने मारा लल्ला मिल जाए। Heh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